जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से चुनाव प्रचार करेंगे तो वहीं दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता व भावी मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि वह अगर दिल्ली में सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली चाहते हैं तो फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही वोट दे, अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाएं, तभी यह संभव हो सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 21 सितंबर को वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर चली गई। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बिजली की दरों और बिल को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बिजली का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वह फिर से अरविंद केजरीवाल को चुनकर लेकर आए और अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, वरना तो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वही हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। आतिशी बोली कि आज अरविंद केजरीवाल का बिजली का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ते बिजली देना। इस साल दिल्ली में 19 जून को 8400 मेगावाट की बिजली की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में लोड सेंडिंग नहीं हुई, दिल्ली में पावर कट नहीं हुआ। दिल्ली की सरकार न सिर्फ 24 घंटे बिजली देती है, सबसे सस्ती बिजली देती है। दिल्ली में 37 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली का बिल जीरो आता है। 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं, जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच बिजली इस्तेमाल करते हैं। 400 यूनिट से अधिक बिजली पर दिल्ली सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती। इसके बाद भी दिल्ली की तुलना में अन्य राज्यों से करें तो दिल्ली में सबसे अधिक सस्ती बिजली मिलती है। दिल्ली में 400 यूनिट बिजली का बिल 980 रुपए आता है, तो वही 400 यूनिट का बिल गुजरात में अहमदाबाद में 2044 रुपए का, हरियाणा के गुड़गांव में 2300 रुपए का, उत्तर प्रदेश में 2900 रुपए आता है, मध्य प्रदेश में 3800 रुपए का आता है और महाराष्ट्र में 4460 बिल आता है। यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 400 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली के मुकाबले 4 गुना अधिक आता है। लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। आतिशी ने कहा कि आने वाले 4 महीने में जब तक उनके पास मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, वह भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करेंगी। आने वाले 4 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी के माध्यम से कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, जो अपने सारे राज्यों में किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली वालों को ये वादा करती हूँ कि हम दिल्ली वालों के बिजली बिल नहीं बढ़ने देंगे। आतिशी की पूरी बात सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के कनेक्शन के दाम 250 गुना बढ़ा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपये देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है, 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7967 रुपये से 17365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है
जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए, और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे, ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी का क्या बिजली का मॉडल है? आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का क्या बिजली का मॉडल है? अरविंद केजरीवाल का मॉडल है 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली। इस साल दिल्ली में 19 जून को 8400 मेगावाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं हुई, दिल्ली में पावर कट नहीं लगे। यानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। ना सिर्फ 24 घंटे बिजली देती है, सबसे सस्ती बिजली देती है। दिल्ली में 37 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, 37 लाख परिवार हैं जिनका बिजली का बिल जीरो आता है। 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको बिजली के बिल आधे दाम पर मिलते हैं, जो 200 यूनिट और 400 यूनिट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। हमें कहा जाता है कि जी दिल्ली में बिजली सस्ती थोड़ी है, आप तो सिर्फ सब्सिडी दे देते हो। इसीलिए मैं आपके पास आंकड़े लेकर आई हूं कि 400 यूनिट के ऊपर का बिजली का बिल, जहां पर दिल्ली की सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती, अगर आप उसको भी भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। 400 यूनिट का बिल दिल्ली में 980 रुपए का आता है। वही 400 यूनिट का बिल गुजरात में अहमदाबाद में 2044 रुपए आता है। हरियाणा में गुड़गांव में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2300 रुपए आता है। उत्तर प्रदेश में 2900 रुपए आता है, मध्य प्रदेश में 3800 रुपए आता है, और महाराष्ट्र में 4460 रुपए बिजली का बिल आता है। यानी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर 400 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली से 4 गुना ज्यादा आता है। यानी लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली, ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। इसीलिए मैं आज सभी दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूं कि जब फरवरी में चुनाव आएगा, दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, तभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली और सबसे सस्ती बिजली आएगी। आने वाले 4 महीनों में, जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 4 महीने में भी भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के माध्यम से कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, जो वो अपने सारे राज्यों में करते हैं, महंगी बिजली देने का। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दिल्ली वालों को ये वादा करती हूं कि हम दिल्ली वालों के बिजली के बिल नहीं बढ़ने देंगे। धन्यवाद।
जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जाएंगे, जंतर मंतर का बड़ा कार्यक्रम है, थोड़ा बता देंगे किस तरीके से क्या रहने वाला है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस्तीफे की घोषणा करी तो उन्होंने कहा कि उनके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है। और आप याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज को उनके मुंह पर तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दुर्भावना के तहत हुई, केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, अगर कोई और नेता होता तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ईमानदारी की, नैतिकता की एक नई मिसाल इस देश की राजनीति में स्थापित की है, जिन्होंने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। और इस जनता की अदालत की शुरुआत, लोगों के बीच जाने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी इस संडे से कर रहे हैं, जंतर मंतर से कर रहे हैं। और वो दिल्ली वालों के बीच में जाकर यही एक बात रखेंगे कि दिल्ली की जनता बताए कि क्या वो सोचती है अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि नहीं हैं। और अगर दिल्ली की जनता कहती है कि वो ईमानदार हैं और उनको फिर से चुन के भेजती है तभी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।